पैसिव यूथेनेशिया में मरणासन्न व्यक्ति की जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया जाता। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में है और किसी सर्जरी या वेंटिलेटर पर उसे रखने से सेहत में न के बराबर सुधार होने की उम्मीद है, ऐसी स्थिति में इलाज न करना पैसिव यूथेनेशिया के अंतर्गत आता है। जबकि एक्टिव यूथेनेशिया में मरणासन्न व्यक्ति की मृत्यु के लिए कुछ किया जाता है, जैसे किसी मरीज से जीवन रक्षक प्रणाली को हटा लेना एक्टिव यूथेनेशिया कहलाता है। अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया और आयरलैंड दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां इच्छा मृत्यु किसी न किसी रूप में दी जा सकती है।